ऐसी मान्यता है कि 15 दिनों के लिए यानी श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृजन पितृलोक से कुटुंब में वापस आते हैं और हमारे गुरुवर संशी आशाराम जी बापू यहाँ अपने साधकों को बता रही हैं कि श्राद्ध पक्ष में पितरों को कैसे तृप्त किया जाए। जो लोग श्राद्ध करते हैं उनके घर अच्छी संतानें आती है। श्राद्ध पक्ष के दिनों में पितरों का अपने अपने कुल में जाने का छूट छाट का विधान है। 15 दिन श्राद्ध पक्ष में पितर विचरण करते हैं। जिनके यहाँ से अर्घ्य हवि कवि मिलता है वो पितर तृप्त होकर जाते हैं और अच्छे आशीर्वाद देते हैं, उनके कुल खानदान में अच्छी संतानें आती। और जो श्राद्ध व्राद्ध नहीं करते तो पितर अतृप्त होकर निश्वास छोड़ते जाते हैं कि बेकार है। ऐसे लोग फिर अतृप्त रहते हैं। समझो श्राद्ध करने की क्षमता शक्ति रुपया पैसा नहीं है। गाय को चारा काट के खिला दे ला के खिला दे, चारा देने का भी पैसा नहीं है, ऐसी कोई समस्या है तो उस समय दोनों भुजाएं ऊंची कर ले, सूर्य नारायण का ध्यान करें, हमारे पिता को दादा को फलाने को आप तृप्त करें, मैं असमर्थ हूं उन्हें आप सुख दें, आप समर्थ हैं। मेरे पास धन नहीं है, विधि नहीं है, दौलत नहीं है, सामग्री नहीं है, घर में कोई करने कराने वाला नहीं, लेकिन आपके लिए मेरा सद्भाव है, श्रद्धा है, आप मेरे सद्भाव और श्रद्धा से भी तृप्त हो सकते हैं, इससे भी आपको मंगलमय लाभ होगा। हमारे पूर्वज मरकर पितरलोक में गए तो उनके अनुरूप वहां उनको रस मिलेगा, देवलोक में है तो देव भोग उन्हें मिलेगा। जिस जिस योनि में हमारे पूर्वज गए हैं उस योनि के अनुरूप उन्हें तृप्ति देने वाला भोग मिलेगा। केवल पितर तृप्त होते इस वहम में हम रहते थे, लेकिन शास्त्र ने हमारा वहम तोड़ दिया कि हम देवों को भी तर्पण करते हैं, देव भी तृप्त होते हैं, गंधर्व भी तृप्त होते हैं, यक्ष भी तृप्त होते हैं। भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शिव जी के लिए भी हम तर्पण करते हैं। तो देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण आदि तो होता ही है, लेकिन श्रेष्ठ आत्माएं जो चले गए, जैसे भीष्म का भी तर्पण होता है भीष्म जी के लिए, अथवा जिनके संतान नहीं है उनके लिए भी तर्पण कराते हैं समझदार ब्राह्मण, और हम करते हैं। जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है उनके लिए भी हम तर्पण करते हैं, उनके लिए सदगति के लिए भी हम करते हैं। तो हमारे हृदय में बड़ा उस दिन वो कर्म करते करते बड़ा चिन्मय सुख का एहसास होता है। बाहर का लाभ धन धान्य यश तो बढ़ता ही है, लेकिन पितृ श्राद्ध करने से अंतर आत्मा की चिन्मय तृप्ति का एहसास भी होता है।